सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक है। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का दूसरा पुस्तक का अध्याय 19 शतरंज के खिलाड़ी जो एक कहानी है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 19 शतरंज के खिलाड़ी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शतरंज के खिलाड़ी का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लोग इसका सार पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इस कहानी का सार पढ़ते हैं। शतरंज के खिलाड़ी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है। प्रेमचंद के समय में भारत पर तंत्र था तथा देसी राजा महाराजा नवाब आदि विलासिता में डूबे थे। प्रेमचंद ने इसी स्थिति को उजागर करने के लिए वाजिद अली शाह के समय की स्थिति का वर्णन किया है। वाजिद अली शाह के शासन में लखनऊ में चारों ओर विलासिता दिखती थी। शासक और प्रजा दोनों राग रंग में डूबे हुए थे। लोग नृत्य की महफिलों नशेबाजी तथा मनोरंजन को ही जीवन मान बैठे थे। देश की क्या हालत है इससे किसी को कोई सरोकार नहीं था। ऐसे ही दो नवाब थे, मिर्जा साजद अली और मीर रोशन अली, जिनका अधिकतर समय शतरंज खेलने में बीतता था। दोनों नवाबों के पास जागीरें थी अर्थात कमाने का कोई चिंता नहीं थी। दोनों सवेरे ही शतरंज बिछा कर बैठ जाते और खेलने में इतना डूब जाते कि उन्हें खाने पीने की सुध भी न रहती थी। कब सुबह से शाम हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। मिर्जा साजद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं था, इसलिए उनके दीवान खाने में बाजियां होती, लेकिन घर का कोई सदस्य इससे खुश नहीं था। मिर्जा की बेगम उन्हें मौका मिलते ही डांट लगाती, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता था। हालांकि सामने कुछ नहीं कहती थी क्योंकि मिर्जा सारा दोष मीर के सिर डाल देते थे। एक दिन मिर्जा को बेगम के सिर में दर्द हुआ में दर्द था। उन्होंने नौकरानी को मिर्जा को बुलाने भेजा। नौकरानी को अकेले आते देख बेगम को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि उनसे बोलो कि अभी आ जाए, नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी। मिर्जा साहब बाजी जीतने वाले थे, इसलिए वे खेलकर ही जाना चाहते थे। मीर ने उन्हें समझाया और जाने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं माने। काफी जिद करने पे वे गए तो बेगम ने मिर्जा को खूब खड़ी खोटी सुनाई। मिर्जा ने डर कर सारा इल्जाम मीर पर डाल दिया। बेगम ने मिर्जा से कहा कि मीर को घर से भगा दे। मिर्जा आनाकानी करने लगा। बेगम गुस्से में भागकर दीवान खाने में चली गई। मीर साहब बाहर टहल रहे थे। बेगम ने शतरंज उलट दी और मोहरे फेंक दिए, फिर दरवाजा बंद कर लिया। मीर साहब स्थिति समझ कर चुपके से खिसक गए। बेगम ने मिर्जा को हिदायत दी कि यदि फिर मीर यहाँ आए तो उनकी खैर नहीं। मिर्जा चुपके से खिसक कर हकीम के यहाँ जाने की बजाय मीर के घर गए और सारे बातें बताई। मीर ने कहा कि वे स्थिति समझ गए थे, लेकिन तुमने अपनी औरत को बहुत से चढ़ा रखा है। फिर से सदन घर में खेलने की बात पर मिर्जा सकुचाए तो मीर ने उन्हें फूक मार दी। इधर राज्य में हाहाकार मचा हुआ था, चारों ओर लूट मची थी। प्रजा की सुनने वाला कोई नहीं था। गरीबों पर अत्याचार करके दौलत इकट्ठा की जाती और वैश्याओं और विलासिता पर उड़ाई जाती। अंग्रेज कंपनी का ऋण बढ़ रहा था और वह लगातार चेतावनी दे रहे थी, किंतु किसी ने परवाह नहीं की। मीर और मिर्जा की बाजियां अब मीर के घर में जमने लगी। कई महीने बीत गए। एक दिन बादशाही फौज का अफसर उन्हें दरबार में बुलाने का संदेश लेकर आया। मीर घबरा गए, उन्हें नौकर से मना करवा दिया। सवार कल फिर आने को कहकर चल आ गया।
दोनों मित्र घबरा कर अगले दिन से एक पुरानी वीरान मस्जिद में सुबह सुबह पान तमाकू हुक्का दड़ी लेकर निकल जाते और दिन दुनिया से बेखबर होकर शतरंज खेलते। भूख लगने पर कहीं बाजार में जाकर खाना खाते और फिर खेलने लगते। इधर लखनऊ की दशा खराब होती जा रही थी। कंपनी की फौज लखनऊ की तरफ बढ़ रही थी। सारा शहर डरा हुआ था, लेकिन इन दोनों टाइम कोई मतलब नहीं था। एक दिन दोनों मस्जिद में रोज की तरह बाजी बिछाए बैठे थे। मीर की बाजी कुछ कमजोर थी। कंपनी की फौज के कुछ सैनिक उधर आते दिखे। मीर ने मिर्जा को आगाह किया, परंतु मिर्जा मीर को हराने की बात ही सोचते रहे। मीर की बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। दोनों जब फिर खेलने बैठे तो इस बार मिर्जा का पलड़ा कमजोर हो गया। 4 बजे के आसपास फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा छाया था। यह उस कायरता का संकेत था जो लखनऊ की ऐश परस्ती और राजनीति को दिखा रहा था। मिर्जा ने मीर को नवाब साहब की कैद के बारे में कहा, लेकिन मीर अपनी बाजी में लगे रहे। मिर्जा को हराकर ही उन्हें शांति मिली। सेना बादशाह को लेकर चली गई। मिर्जा अब अपनी हार का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने मीर की नवाब साहब के मातम में मरसिया पढ़ने की बात को भी नजरअंदाज कर दिया। खेलते खेलते शाम हो गए, लेकिन दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को हराने पर आमादा थे। मिर्जा 3 बाजी लगातार हार गए थे। हार से मिर्जा व्याकुल थे और मीर जीतने की रस्म में डूबे थे। हार की झुंझलाहट से मिर्जा का धैर्य खत्म होता जा रहा था। एक चाल को लेकर हुए मीर से बहस करने लगे। बहस बढ़ते बढ़ते झगड़े में तब्दील हो गई। दोनों एक दूसरे के खानदान की इज्जत उतारने में लग गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने तलवार निकाल ली और एक दूसरे पर वार करने लगे और एक दूसरे की जान ले बैठे। जिन लोगों की आंखों से अपने बादशाह के लिए आंसू नहीं निकले, उन्होंने शतरंज के वजीर की रक्षा में जान दे दी। जैसे तत्कालीन स्वाधीन सुनीता विलासिता राजनीतिक व नैतिक पतन कायरता को दिखा रहा था। और इस तरह से इसका सार भी समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि अब आपको जो पाठ है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इनके लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो आइए सारे प्रश्नों का उत्तर बनाने का खुद से प्रयास करें। ये रहा पाठ का प्रश्न 19.1। ये रहा पाठ का प्रश्न 19.2। ये रहा पाठगत प्रश्न 19.3। ये रहा पाठांश प्रश्न और यहाँ पे उत्तरमाला दिया जा रहा है। अगर अभी भी आपको इस पाठ से कोई परेशानी हो तो अपने परेशानी को दूर करने के लिए टिप्पणी बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।